मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। लोकसभा में जेएनयू छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई, कश्मीर में लगी पाबंदियां और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर विरोध और हंगामा किया। राज्यसभा में भी इन मुद्दों पर इतना हंगामा हुआ कि सभापति नायडू को दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय बिस्वान ने जेएनयू मामले में ऊपरी सदन में कार्यस्थगन नोटिस डाला। रामगोपाल यादव ने जेएनयू पर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी छात्रों के साथ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। तो वहीं लोकसभा में लेफ्ट, बीएसपी, कांग्रेस और दूसरे दलों ने जेएनयू का मुद्दा उठाया तो टीएमसी और कांग्रेस ने कश्मीर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने तानाशाही बंद करो, बदले की राजनीति बंद करो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और वेल में पहुंच गए। नारेबाजी के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर भी जमकर हंगामा किया और इन तीनों मुद्दों पर लोकसभा से वॉकआउट किया। दोपहर बाद विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात कर जेएनयू प्रदर्शन पर चर्चा की मांग भी की।